हेलो स्टूडेंट, देश की 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर अहम जो भूमिका निभाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो कि लेवल की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इन 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर लोकेशन बेस के अंदर, चाहे प्लेसमेंट हो, चाहे उसकी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, स्टूडेंट बिहेवियर हो, टीचर्स हो, और गुजरात की अगर अपन बात करें तो एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, या फिर बिजनेसमैन हो, ठीक है, चारों ओर से बेटर लोकेशन, बेटर एजुकेशन, सब तरीके से जो जिस बेसिस पे अगर देखा जाए। और आज अपन बात करते हैं इसके कट ऑफ की, तो यार कैसा कट ऑफ जा रहा है, कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पिछले साल कितना कट ऑफ गया था, इस साल कितना कट ऑफ गया है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे प्रोसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का। तो यार अपन आ चुके हैं cug.ac.in पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है। बहुत सारे कोर्सेस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, उनकी लिस्टें, जैसे एमए है, एमएड है, एमएससी है। ओके, तो सबसे अच्छा कोर्स यार एमएससी नैनो साइंस, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो डिमांड कोर्सेस है, जस्ट लाइक ये जर्मन स्टडीज वगैरह, ये भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस है, क्योंकि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि बी इन चाइनीज हो, बी एन ई जर्मन, जो जर्मन हो, नैनो साइंस है। ओके स्टूडेंट, तो देखते थे यार क्या कट ऑफ, क्या सीन गया है इसका। ओके, तो अपन आ चुके हैं इसकी वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं बी ए इन जर्मन स्टडीज। यार पिछले साल की अगर अपन बात करें तो पिछले साल जितना कट ऑफ तो किसी का भी नहीं जा रहा है, क्योंकि पहले जो होता था, स्टूडेंट को अपनी 3 यूनिवर्सिटियां अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती थी कि मुझको इसमें इसमें इंटरेस्ट है, तो वो उसी के अंदर ही अप्लाई कर पाते थे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इस बार जो है, जिस बच्चों ने एग्जाम दिया था वो उन्होंने ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर अप्लाई कर दिया है, तो ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण ही कट ऑफ बहुत बहुत ही ज्यादा हाई जा रहा है। जो बच्चे पहले रजिस्टर नहीं करते थे, सिर्फ 3 में ही कर पाते थे, उन बच्चों ने इस बार जो है ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर 12 की 12 में ही रजिस्टर कर दिया है। तो आपको पता लग सकता है कि कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। तो अगर अपन बात करें बी ए होनर्स इन जर्मन स्टडीज, तो यार 270 से स्टार्ट हुआ है ये, और जो है 228 पे खत्म हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर अपन नीचे चलते हैं फिर से ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो ओबीसी कैटेगरी में कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 270 से स्टार्ट हुआ है, सॉरी ओबीसी के अंदर 222 से स्टार्ट हुआ है और जस्ट 202 पे खत्म हो गया है। एससी कैटेगरी की भी यही पोजीशन है, 224 से स्टार्ट होके 190 पे खत्म हो गया है। एसटी कैटेगरी भी 178 पे खत्म हो गई है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 193 पे खत्म हो गई है, और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स जो है 95, एंड स्पोर्ट्स कोटा जो पर्सन है वो 139। ओके, एंड अंडर एनसीसी और एनएसएस कैटेगरी 219, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 134, और जो है अंडर डिफेंस कैटेगरी 205 पे यार खत्म हुए हैं। ओके, और फिर अपन दूसरे चाइनीज कोर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यार कट ऑफ बहुत बहुत ही ज्यादा हाई गया है। इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था, जस्ट अगर अपन बात करें पिछले जितने भी सालों से काउंसलिंग होती आ रही है, करते आ रहे हैं, बच्चों का एडमिशन होते जा रहा है, तो ऐसा आज तक तो नहीं हुआ कभी, लेकिन ये इसी बार ही हो रहा है। और अपन बात करें एमएससी इन इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, तो इसका भी कट ऑफ चेक कर लेते हैं, देख सकते हो आप। ओ यार फिर जस्ट अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। ओ माय गॉड, 302 नंबर, बहुत बहुत ही ज्यादा मार्क्स होते हैं यार, कम नहीं होता, ठीक है। सेकंड जो बच्चा है उसके 263 है, फर्स्ट जो बच्चा उसके 302 नंबर है। ओके, तो मतलब क्रांतिकारी स्टूडेंट है ये, जो भी है 215 पे खत्म हो गया है। जनरल ओबीसी अगर मैं बात करूँ तो 187 पे खत्म हो गया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और एससी कैटेगरी 126, ठीक है, स्टार का क्या मतलब है, इन केस ऑफ अंगम कैंडिडेट दस कैंडिडेट विथ ए हायर मार्क्स इन देयर क्वालिफाइड डिग्री विच गिवन प्रेफरेंस, माय गॉड, ठीक है, स्टार इसीलिए है, ठीक है। और जस्ट और भी आप देख सकते हो एमए इन इंग्लिश, इसका भी बहुत ज्यादा रहता है बच्चों को।
ओके, तो एमए इन इंग्लिश का भी आप चेक कर सकते हैं, एमए इन चाइनीज स्टडीज, एमए इन जर्मन स्टडीज, इसका भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जा रहा है यार, 280 प्लस गया है, 400 में से स्टार्ट हुआ है, 241 पे खत्म हो गया है, 210। ओके ठीक है, तो यार देख सकते हो कट ऑफ नॉर्मल नहीं है। ओके, और जिन बच्चों को हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है वो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम गारंटीड एडमिशन दिलाते हैं। अगर एडमिशन सक्सेस नहीं होता है तो हम पूरा रिफंड करते हैं, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम हमने पैसे ले लिए एडमिशन नहीं हुआ। हम पैसे लेते हैं लेकिन हाँ गारंटीड एडमिशन देते हैं। अगर पैसे एडमिशन नहीं हो पाता है तो हमारी मेहनत किसी काम की नहीं है, उसके हम कोई चार्ज नहीं लेते, पूरा रिफंड करते हैं। ठीक है, एडमिशन अगर सक्सेस होता है तभी आपको पैसे मतलब आपके लेते हैं। ठीक है, पैसे पहले ही लेते हैं, अगर एडमिशन नहीं होता है बाई चांस तो पूरा रिफंड कर देते हैं। लेकिन हम पैसे उन्हीं बच्चों से लेते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं पहले, कि डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सअप करने होते हैं, हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर हमारी टीम आपको बोल देती है कि हो जाएगा, तब आपको फिर से पे करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जस्ट आप हमारी पेड काउंसलिंग प्लान भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है कि हम जस्ट आप जैसे काउंसलिंग कर रहे हो वैसे ही हम करें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। 100% आई विल ट्राई विथ माई बेटर टू प्रोवाइडिंग एडमिशन। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को एडमिशन दिलाए भी है, ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के हुए भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास 10,000 बच्चे आकर रजिस्टर कर देते हैं, मेरे पास सिर्फ 200 सीट होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो कैसे हो सकता है एडमिशन, ये तो आपको भी समझना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यार मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर, और घबराए नहीं, अभी तो फर्स्ट जारी हुई है। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, ओके।